Alright, ladies and gentlemen, welcome back to another video on the channel. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक मार्कशीट रिवील करने वाला हूँ, ठीक है? ये मार्कशीट एक वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस की है जिसमें मैंने और मेरे चेयरपर्सन ने चेयर की है वो कॉन्फ्रेंस. एंड सोल पर्पज ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टू मेक फर्स्ट टाइमर्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि भाई वॉट रियली गोज बिहाइंड दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की टेबल पर, ठीक है? तो इसमें काफ़ी सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं मार्कशीट के अंदर, जितने भी सेगमेंट्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. एंड आई ऑल्सो टेल यू कि भाई इन पूरी मार्कशीट के अकॉर्डिंग भाई हाउ कैन यू रियली फॉर्मुलेट योर स्पीचेज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, ठीक है? तो वो भी एक डिस्कशन होगा इस पूरे सिनेरियो में. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि भाई हाउ डज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मार्क अ पर्टिकुलर डेलीगेट, ठीक है? या फिर वॉट इज अ differences or how is the differences between a best delegate and a high com or a specman is actually created, ठीक है? तो ये सारी बहुत ही nitty gritties हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं MUNs में जो कि matter करती हैं, और काफ़ी सारे first timers या जो जिनके पास 3-4 MUN का experience है वो miss कर जाते हैं. लाइक मैं भी जब पहले शुरू में करता था तो मुझे नहीं पता लगती थी कि मार्किंग स्कीम चलती कैसे है, मार्क्स देते कैसे, मिलते कैसे, ठीक है? ठीक है, मार्क्स और मार्कशीट के बारे में ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ठीक है? ज़्यादा ध्यान मत दो अगर तुम स्पेशली फर्स्ट टाइमर हो, ठीक है? जो भी हो रहा है होने दो, मार्क्स के बारे में ज़्यादा सोचो मत. अगर अभी तक तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो यार हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द अदर MUNers एज वेल. चीयर्स. Alright, so before we move on to the video, यार, here are little announcements that I need to make. तो सबसे पहली announcement तो ये है यार कि जब से ये How to MUN series जो है वो शुरू हुई है ना यार, आप लोगों की queries एकदम भर भर के आ रही है, ठीक है? तो अगर जाके देखो मेरा Instagram का DM पूरा भर रखा है, comment sections हैं, या फिर और भी कई सारी चीज़ें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आई कैन लाइक यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, वो सारे के सारे भर चुके हैं. और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है यार कि जिन लोगों की क्वेरीज है उनको मैं टाइम पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने भेजा है उसकी कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद है, राइट? तो मैं DM देख पा रहा हूँ 4 दिन बाद, तो उस क्वेरी का कोई पॉइंट रह नहीं जा रहा, ठीक है? लाइक आई हैव एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ दिस वाइल कि भाई वो चीज़ काफ़ी दिक्कत दे रही है लोगों को. तो इसकी वजह से मैंने क्या किया ना यार, एक गूगल फॉर्म अटैच किया है इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपली अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपने नाम वाम डालने हैं, अपने क्वेरी देनी है. एंड सबके लिए ना एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट है, इट्स अराउंड 199 rupees. तो उससे क्या होगा ना कि आई विल प्रायोरिटाइज योर क्वेरी मोर, दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई इंक्लूडेड द मनी फैक्टर हियर इन ऑर्डर टू prioritize the queries. Also with this minimal amount, you will get an access to a lot more things which are coming up in the ahead in the future. तो वो भी हम लोग कई सारे MUN वर्कशॉप वगैरह करवा सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी और भी चीज़ें, पूरा डिटेल दे रखा है फॉर्म में, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना. एंड इट्स लाइक अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन वाला सीन है, तो एक बार आपको पे करना है, देन यू विल बी लाइक अलाउड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप इन द फ्यूचर. एंड आई विल पर्सनली लाइक कॉन्टैक्ट यू गाइज फॉर योर क्वेरीज एंड ऑल, तो दैट सीन इज कम्प्लीटली सॉर्टेड. तो दैट इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट टू मेक. द सेकंड इज दैट डिस्क्रिप्शन में ही मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दिया है, ठीक है? नाउ व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन. लाइक व्हाट्सएप कम्युनिटी से बेसिकली यही होता है कि यार इट्स मोर ऑफ अ पर्सनलाइज थिंग, ठीक है? अगर कुछ भी होता है, कोई भी अनाउंसमेंट है छोटी मोटी, या फिर कोई भी तुम्हारे डाउट है, या कोई भी इधर उधर कुछ भी होता है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपन कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं डालनी पड़ेगी. व्हाट्सएप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं यार फॉर MUNers. क्या होगा उनसे कि भाई जो भी डाउट्स रहेंगे तो मैं नहीं हो पाऊंगा तो कोई और डेलीगेट है तुम्हारा क्लियर कर देगा. तो दोनों लिंक्स जो है वो जाके चेकआउट कर लेना. तो जो मैंने बताया गूगल फॉर्म वाला लिंक है, इट्स लाइक अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन, ठीक है? एक बार कर लेना, सॉर्टेड हो, ठीक है? चलो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. तो यार आगे अपन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, एंड जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो कि यार एक टाइप की मार्कशीट है ये, ठीक है? जिसको मैंने और मेरे चेयरपर्सन ने रिलीज़ किया था. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें बता दूं यार कि हर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मार्किंग स्कीम जो होती है ना वो अलग होती है, ठीक है? इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये यही मार्कशीट हर जगह फॉलो की जाए, राइट? या फिर लाइक ये जो मार्कशीट है वो एक बहुत ही जनरलाइज्ड अप्रोच है टुवर्ड्स हाउ एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड रियली मार्क्स आउट एनी पर्टिकुलर डेलीगेट, ठीक है? अब कुछ MUNs में हो सकता है कि ये मार्कशीट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो जनरली नहीं कंसिडर की जाती हैं वो कंसिडर कर ले तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कुछ भी हो सकता है. लाइक बट दीज आर द वेरी जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, विच दीज पॉइंटर्स आर वेरी जनरलाइज इन नेचर, मतलब दे आर द काइंड ऑफ पॉइंटर्स जो कि हमेशा ही कंसिडर किए जाते हैं किसी भी MUN में. तो उस हिसाब से मैं तुम लोगों को ये वाली मार्कशीट दिखा रहा हूँ, एंड सो दैट यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया कि भाई किस बेसिस पे यू आर गोइंग टू गेट मार्क्ड, ठीक है? तो हम लोग एक काम करते हैं यार, कॉलम बाई कॉलम आगे बढ़ते हैं, देन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग द वे, ठीक है?
तो जीएसएल तुम्हें पता है यार, जनरल स्पीकर्स लिस्ट होती है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो इसी में से ही दिए जाते हैं, दैट इज़ आउट ऑफ 10, मतलब इस एमयू में हम लोगों ने आउट ऑफ 10 दिए थे एंड जिन कंट्रीज़ ने अपने मतलब द वंस लाइक सॉर्टिंग हम लोग बाद में करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया है कि कौन है क्या है, ये सॉर्टिंग जो होती है कंट्रीज़ की वो बाद में डिसाइड होती है, दैट इज़ हाउ लाइक दे गेट द बेस्ट डेलीगेट एंड वो सब चीज़ें, ठीक है, तो वो सब बाद की बात होती है। तो जीएसएल में लाइक डेलीगेट ऑफ लिथुएनिया गॉट द हाईएस्ट मार्क्स एंड मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी जीएसएल की स्पीच और वो अच्छे से दो तो यू विल बी लाइक सॉर्टेड कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मिट गया उसके बाद आता है तुम्हारा मॉड वन। मॉड वन का मतलब सिंपल है यार, मॉडरेट कॉकस नंबर वन, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे एक डिफरेंस नोटिस करोगे कि जीएसएल की स्पीच का जो मार्क्स हैं वो 10 हैं और मॉड कॉक के जितने भी मार्क्स हैं लाइक मॉड वन टू थ्री फोर ये सारे जितने मार्क्स हैं मॉडरेट कॉकस के, ये सारे के सारे आउट ऑफ 5 मार्क किए गए हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ एग्जीक्यूटिव बोर्ड आउट ऑफ 7 भी मार्क कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें सारे मॉड कॉक 5 में से मार्क किए थे एंड लाइक दिस इज वॉट इट इज, ठीक है। अच्छा हाँ, पहला वाला तो मैं बताना भूल गया, पहला वाला इज अटेंडेंस विच इज लाइक प्रेजेंट एंड प्रेजेंट वोटिंग। तो ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक प्रेजेंट एंड प्रेजेंट वोटिंग में क्या फ़र्क होता है, तुम लोग अगर चाहते हो कि लाइक इस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना यार, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मॉडरेटेड कॉकस नंबर 2, ठीक है, अगेन वही सेम चीज़, 5 मार्क्स का था ये, ठीक है। डेलीगेट ऑफ लिथुएनिया जो था उसने दिया, उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले अकॉर्डिंग टू लाइक हिज रिसर्च एंड एवरीथिंग। एंड इसी तरीके से हम लोगों ने सारे और मॉडरेटेड कॉकस भी मार्क किए थे लाइक 3 एंड 4, ठीक है। मॉडरेट कॉकस 3 एंड मॉडरेट कॉकस 4 जो है वो सबके सब इसी बेसिस पे मार्क्स हुए थे। एंड उसके बाद आता है हमारी, उसके बाद जो पॉइंट रहा था वो हमारा आता है लॉबिंग का, ठीक है। तो यार लॉबिंग का मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। लॉबिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है, तो अगर नहीं देखी हो तो जाके देखोगे क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, वो एक बार चेकआउट कर लेना। तो लॉबिंग का भी हम लोगों ने तुम देखोगे यार तो 5 में से मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। और इनकी क्राइटेरिया बेसिकली यही था कि जो बंदे कर रहे थे लॉबिंग उनको हम लोगों ने 3.5 इसके अराउंड दिए थे एंड जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे लाइक अभी तुम देखोगे यहाँ पे कि ये सारे के सारे डेलीगेट्स जो हैं वो सबको 2 2 2 2 मिला हुआ है एंड दैट इज़ बिकॉज कि भाई इन लोगों ने एक बहुत ही जनरलाइज बहुत ही बेसिक लॉबिंग करी थी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने मिनिमम मार्क्स उतना दिए हैं, ठीक है। बाकी कुछ डेलीगेट्स जिन्होंने मॉडरेटेड कॉकस में नहीं बोला था उनको मार्क्स नहीं भी मिले हैं, ठीक है। जैसे तुम ये डेलीगेट ऑफ इजिप्ट को देख रहे हो, इसने सारे मॉड कॉक में बोला लेकिन मॉडरेटेड कॉकस 4 में नहीं बोला, राइट। सो मेक श्योर दैट तुम हर एक मॉडरेटेड कॉकस और हर एक जीएसएल अगर तुम्हारी आती है तो तुम उसमें बोलो, ठीक है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चिट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, हमारे आते हैं चिट्स, ठीक है। चिट्स को भी हम लोगों ने 5 में से मार्क्स किया है, मार्क किया एंड चिट में हम लोग अलग अलग नहीं करा है कि लाइक सब्सटेंटिव और पीओवाईज वगैरह बेसिस पे, उन बेसिस पे नहीं किया था, बट ये एक जनरलाइज्ड अप्रोच थी कि बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पीओवाई, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पीओवाई दैट डेलीगेट आस्क एज वेल एज द काइंड ऑफ सब्सटेंटिव चिट दैट द डेलीगेट हैज सेंट, वो दोनों का मार्क्स मिला के हम लोग उनको अलॉट कर रहे थे। तो जिन डेलीगेट्स ने एक भी वो नहीं भेजी है, तो उनके मार्क्स डेफिनेटली कम है, ठीक है। तो वो भी मतलब तुम लोग ध्यान रखना कि हर कॉलम को तुम ध्यान से रखना, ठीक है। लाइक ये जो पूरा कॉलम है बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं कोई भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो हम लोगों ने नहीं करी थी, ठीक है। लाइक डिप्लोमेटिक कर्टसी हो गई तुम्हारी, उसमें नंबर कट सकते हैं, फॉरन पॉलिसी के मार्क्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा, वो होता है फॉरन पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है। फॉरन पॉलिसीज़ को भी हम लोगों ने, जस्ट बिकॉज वो एक बिगनर बेस्ड कमिटी थी इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, हम लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे टुवर्ड्स द फॉरेन पॉलिसीज एंड हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था कि भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं थे, इसीलिए सबको हम लोगों ने 4-4 नंबर चढ़ा दिए थे। ऑब्वियसली बच्चे थे सारे तो हम लोगों ने बोला कि लेट इट बी, ठीक है। बट अगर कोई अच्छा एमयू है जाके मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड है तो भाई वो उसमें नेगेटिव भी दे सकता है, ठीक है, तो तुम लोग ध्यान रखना। लास्ट वाला जो कॉलम आता है यार वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन तुम लोगों को बता रखा है, डॉक्यूमेंटेशन पर भी एक वीडियो बना रखी है तो वो भी जाके चेकआउट कर लेना, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या नहीं होता है, क्या समझ में आया नहीं, ठीक है, जो भी होता है डॉक्यूमेंटेशन पर भी वीडियो है, जाके देख लेना। तो इस पर भी हम लोगों ने बनाया था कि भाई
एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि यार डॉक्यूमेंटेशन मेरे से बहुत डेलीकेट पूछते हैं, ऑथर बनना है कि नहीं बनना है। यार बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कमिटी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से है, ठीक है, लाइक एंटायर कमिटी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है यार कि मतलब तुम्हें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो वो मतलब ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन बन जाओ तो अच्छी बात है, इसमें कभी नंबर कटते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर लास्ट में जो है लास्ट का जो कॉलम आता है वो हमारा आता है टोटल मार्क्स का, विच इज़ आउट ऑफ 50, ठीक है। इस वाले एमयूएम में हम लोगों ने आउट ऑफ 50 किया था, जिसमें सो अगेन जो सॉर्ट करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा रहता है वो हम लोग उसको बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी फिर मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्कशीट ही सारा कुछ डिसाइड किया जाता है कि मतलब किसको क्या मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स लाइक अवार्ड्स के बाद हम लोग जो भी कैश प्राइज वगैरह होता है वो भी हम ही लोग देखते हैं, लाइक बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही देखता है कि भाई किसको कितना देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली लाइक गाइडेड बाय द सेक्रेटेरिएट कि बेस्ट डेलीगेट का इतना है, हाई कॉम का इतना है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट तभी जाके होता है, नहीं तो फिर वी डिसाइड कि भाई किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। यार ये एक पूरी की पूरी मार्कशीट थी जो मैंने और मेरे चेयरपर्सन ने बनाई थी इन वन ऑफ आर एमयूएम्स। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई रियली रियली होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग अबाउट एमयूएम्स एंड द मार्कशीट्स, हाउ मार्कशीट इज बेसिकली डिजाइन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एन एमयूएम। एंड द कॉमेंट सेक्शन इज कम्प्लीटली ओपन, जो भी तुम्हारे व्यूज हैं, जो भी डाउट्स, जो भी दिक्कत है कॉमेंट में डाल दो, ठीक है। And make sure that you subscribe to the channel, hit the like button and share the video with other friends as well. So till then, take a very good care of yourself and I'll see you in the next video. Bye.